छोटा सा पहाड़ी राज्य सिक्किम आज देश के तमाम बड़े राज्यों के सामने एक मिसाल बनकर खड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत की मुहिम में इस राज्य ने एक मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम के गंगटोक को देश के सबसे स्वच्छ पर्यटक स्थल के पुरस्कार से सम्मानित भी किया है और ये सब मुमकिन हो पाया है यहाँ के लोगों की भागीदारी और राज्य सरकार के अथक प्रयासों से। दूर दूर तक फैली सिक्किम की वादियों में खूबसूरती का अलौकिक रंग खुला है। आबो हवा में ताजगी मन को आनंद से भर देती है। यही कारण है कि देश भर से लोग सिक्किम की ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन सिक्किम की ये खूबसूरती यहाँ के निवासियों की बदौलत ही है। यहाँ का हर बाशिंदा कुदरत की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। कुदरत में इंसानी दखल का असर कम से कम हो, इसका यहाँ के निवासी बखूबी ध्यान रखते हैं। इसलिए आज सिक्किम को देश के सबसे साफ और सुथरे प्रदेशों में से एक माना जाता है। अपने वातावरण को साफ और सुंदर रखने में सिक्किम ने एक मॉडल का रूप ले लिया है। यहाँ की साफ सफाई के क्रम में स्कूलों को एक कड़ी बनाया गया है। ये नजारा किसी टॉय शॉप का या किसी म्यूजियम का नहीं है, बल्कि यह है पश्चिमी सिक्किम के ताशीडिंग का सरकारी स्कूल, जहां बच्चे वेस्ट पड़े सामान को रिसाइकल करने की मुहिम में जुटे हैं। स्कूल के आसपास के हर इलाके में बच्चों की कलाकारी के रंग बिखरे हुए हैं। अंडर द स्वच्छ भारत मिशन सो वी हैव टेकन अप लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक वी हैव गॉट वन फंक्शनल रिसोर्स रिकवरी वैन फॉर द डिस्पोजल ऑफ दिस रिसोर्स which is produced in and around Taishiding area, and this will be taken up till the resource recovery center. लिंगचोंग के इस स्कूल में भी बच्चों की एक अलग सोच दिखती है, जहां कोई भी सामान बेकार नहीं है, हर चीज का एक नया और व्यवस्थित रूप मौजूद है। अभावों को विकल्प में बदलना कोई सिक्किम के इन बच्चों से सीखे। बदलाव की ये बयार सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है, दरअसल ये दायरा सिक्किम के हर गांव और हर शहर तक फैला हुआ है। लोग पर्यावरण की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। प्रशासन की मुस्तैदी के साथ आम लोगों की भागीदारी भी आ जुड़ी है और समाज का हर तबका स्वच्छता की इस मुहिम में अपनी भूमिका निभा रहा है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी सैलानियों की आवाजाही के बीच स्वच्छता का मिशन जारी है। जी आम लोग यहाँ जितना पब्लिक है और टैक्सी ड्राइवर सब मिल करके साफ करते हैं, और गाड़ी में भी बैग रखा हुआ है, डस्टबिन दिया हुआ है पंचायत की तरफ से, इसमें और प्लास्टिक और दूसरा आइटम कूने वाला आइटम दोनों मिला के हम लोग उधर डस्टबिन में डालते हैं। ये डेली हम लोग का ऐसा हो गया कि रूटीन जैसा हो गया। कुल मिलाकर अपने प्रयासों से सिक्किम का हर तबका छोटी छोटी पहल कर अपने पर्यावरण और आसपास के वातावरण को साफ और सुंदर बनाने में जुटा है, जो देश के तमाम राज्यों के लिए एक सीख है।